हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इसके नॉलेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको एक्सेल पर डुप्लीकेट एंट्री से बचने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले बताएंगे, जिसका यूज़ करके आप अपनी एक्सेल की फाइल पर किसी भी तरह की डुप्लीकेट एंट्री से बच सकते हैं। डुप्लीकेट एंट्री का मतलब यह है कि कुछ लोग डुप्लीकेट एंट्री टाइप करके अपना पेमेंट बना लेते हैं, लेकिन वो एंट्री ओरिजिनल नहीं होती है और फिर बाद में डुप्लीकेट एंट्री से काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो इंटरेस्टिंग होने के साथ बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, इसीलिए आप इस वीडियो पर बने रहिए ताकि अच्छे से आप इस ट्रिक का यूज़ करना सीख जाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ गुफरान टाइपिस्ट, आप देख रहे हैं स्किल नॉलेज। दोस्तों, एक्सेल पर डुप्लीकेट एंट्री से कैसे बच सकते हैं इसको सीखने के लिए चलिए आपको स्क्रीन पर ले चलते हैं। देखिए दोस्तों, यह डेस्कटॉप पर हमारी जो एक्सेल की फाइल है, हम इस फाइल को ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक छोटी सी टेबल बना रखा है। अब इसमें हम डाटा वैलिडेशन की मदद से डुप्लीकेट एंट्री पर रोक लगाएंगे। तो दोस्तों, जितनी भी सेल में आप डुप्लीकेट एंट्री को रोक लगाना चाहते हैं, सबसे पहले आपको इस तरह से अपनी रेंज सिलेक्ट कर लेना है। तो हमने इस ईमेल आईडी से लेकर यहाँ तक अपनी रेंज सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद दोस्तों, आपको जाना है डाटा में। जब आप डाटा पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डाटा वैलिडेशन का, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब हमारा डाटा वैलिडेशन का विंडो ओपन हो चुका है। अब आपको यहाँ पर सेटिंग पर आना है और आपको यहाँ पर अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो लास्ट में देखिए, एक कस्टम का ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको कस्टम पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको एक फार्मूला लगाना है। फार्मूला लगाने के लिए हम यहाँ पर इक्वल टू का यूज़ करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर टाइप करेंगे CONTIF काउंट इफ, फिर ब्रैकेट ओपन करना है। इसके बाद इन सभी सेल का सिलेक्शन इस तरह से कर लेना है जैसा कि आप देख रहे हैं। सिलेक्शन करने के बाद दोस्तों, आपको F4 प्रेस कर देना है, मतलब F4 को दबा देना है। F4 से आपकी जितनी भी रेंज सेलेक्ट होगी वो फ्रीज हो जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पर लगाना है कॉमा। फिर आपको करना यह है कि ये जो पहली वाली सेल है, इस पर क्लिक करना है। फिर आपको ब्रैकेट क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाना है और 1 टाइप कर देना है। यहाँ पर हमने 1 इसलिए टाइप किया है कि कोई भी वैल्यू सिर्फ एक बार यहाँ पर टाइप हो। अगर आप यहाँ पर किसी भी ईमेल आईडी को 2 बार टाइप करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप 2 भी मेंशन कर सकते हैं। तो अभी हमारा टॉपिक है डुप्लीकेट एंट्री को रोक लगाना, इसीलिए हम यहाँ पर 1 मेंशन कर देते हैं ताकि कोई भी ईमेल आईडी सिर्फ एक बार आए। दोबारा जैसे ही हम टाइप करें तो वहाँ पे हमें एरर शो हो। तो दोस्तों, अब ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हो चुका है। अब सिंपली ओके कर देना है। इसके बाद अब आपको जो भी ईमेल आईडी मेंशन करना हो तो कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 234@gmail.com मेंशन करते हैं। तो ये मेंशन हो गई। अब ये जो ऊपर वाली ईमेल आईडी है, हम इसको भी मेंशन करके देख लेते हैं। तो abc@gmail.com हम टाइप करते हैं और जैसे ही इंटर को दबाएंगे तो देखिए, यहाँ पर एरर शो हो रहा है क्योंकि ये ईमेल आईडी एक बार टाइप हो चुकी है, इसीलिए अब ये दोबारा मेंशन नहीं हो सकती। और अगर आप कोई यूनिक वैल्यू टाइप करेंगे तो ये उस वैल्यू को ले लेगा, जैसे कि syz@gmail.com, तो ये ले लेगा क्योंकि ये ईमेल आईडी कहीं पर नहीं है। दोस्तों, इसी तरह आप इस फार्मूले का यूज़ करके डुप्लीकेट एंट्री पर रोक लगा सकते हैं। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, जब तक के लिए थैंक यू।